18 जून 2023 सुबह 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम की एक सबमरीन में बैठकर समंदर के अंदर का सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू करते हैं। जिस लोकेशन से इसको डाइव करना था, ये सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डुबकी लगाते हैं। ये लोग टाइटन जहाज के रेक को देखने जा रहे हैं। ये लोग उसी टाइटन जहाज को देखने जा रहे हैं जो करीब 110 साल पहले पानी में डूबा था। ये टूर बहुत ही महंगा टूर था। इस टूर में बैठे एक एक आदमी ने करीब 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं सिर्फ चंद घंटों के लिए। इस सफ़र को टोटल 5 लोगों ने मिलकर शुरू किया था, जिसमें 58 साल के ब्रिटिश बिलियनियर हेमेस हार्डिंग, इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। सेकेंड नंबर पर है स्टॉकटन रस, जो ओशियन गेट कंपनी के CEO भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशियन टूरिज्म के लिए समरसिबल प्रोवाइड कराते थे। तीसरे नंबर पर 77 साल पॉल हेनरी नार्जियोलियट, ये शिप रेक के एक्सपर्ट भी थे। इन्होंने पहले भी टाइटैनिक जहाज को लगभग 37 बार विजिट कर चुके थे। इसको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट की भी अच्छी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजाद दाऊद और एक उसके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद इसी सबमरीन का हिस्सा थे। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस कंपनी के ओनर भी थे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए फेमस टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहे हैं। टाइटैनिक 1912 में डूबने के बाद कई साल तक इसकी खोज जारी रही। बहुत सारी कोशिशों के बाद आखिरकार साल 1985 में अटलांटिक ओशियन में इसका मलबा ढूंढ लिया गया। टाइटैनिक शिप अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ कर गए थे। इसके बाद अलग अलग कंट्री के बहुत सारे एक्सपर्ट ने टाइटैनिक शिप रेक के दौरे भी किए थे। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने 1995 में टाइटैनिक रेक के दर्जनों दौरे किए और 1997 में टाइटैनिक फिल्म को रिलीज भी की गई। अब जो कुछ भी कमी रही थी टाइटैनिक शिप की, तो टाइटैनिक मूवी ने पूरी कर दी। इतनी धूम मचा दी कि अब टाइटैनिक के मलबे को खुद जाके देखना अक्सर लोगों का ख्वाब बन गया। अब ये काम रिसर्च तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि शिप रेक साइट पर टूरिस्ट भी जाना शुरू कर दिए। ऐसा है कि ओशियन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पानी का प्रेशर, इसलिए कि पानी के ऊपर के सतह से जितना नीचे जाएंगे उतना ही पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है। टाइटैनिक शिप रेक समंदर के 3,810 मीटर यानी कि लगभग 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5,800 PSI होता है, यानी कि उस गहराई में पानी का प्रेशर लगभग 400 गुना बढ़ जाता है। अब आप इस प्रेशर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस सबमरीन पर कितना प्रेशर पड़ा होगा। चलिए अब आते हैं अपने पॉइंट पर। यहाँ एक सबमरीन गायब हुई। ये एक सबमरीन नहीं बल्कि सबमर्सिबल थी। ध्यान रहे कि दोनों शब्द एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों शब्द में काफ़ी अंतर है। बात करते हैं सबमरीन की, तो यह खुद का पावर इस्तेमाल करके खुद से समंदर के अंदर जा सकती है और खुद के पावर से आ सकती है, लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती है। सबमर्सिबल पानी के अंदर जाने के लिए और आने के लिए एक सपोर्ट शिप की ज़रूरत पड़ती है। इस केस में एक जहाज जो सपोर्ट के रूप में पानी के ऊपर काम करती है, उसका नाम पोलार प्रिंस है। अब बात करते हैं 18 जून 2023 को, जब ये सबमर्सिबल अपना सफ़र शुरू करते हैं दिन के 9:30 बजे और इसे करीब 2 घंटे का समय लगेगा 3,810 मीटर की डेप्थ तक पहुंचने में। हर 15 मिनट पर एक सिग्नल भेजती है समंदर के ऊपर एक जहाज पोलार प्रिंस को। यही इसके कम्युनिकेशन का एक जरिया है इस बाहरी दुनिया से। 1 घंटा 45 मिनट का समय गुजरने के बाद अचानक ऊपर मदरशिप पोलार प्रिंस से अपना कनेक्शन खो देती है। अगर 2 घंटे का समय टाइटैनिक तक पहुँचने में लगने थे, तो सिर्फ 15 मिनट पहले संपर्क टूटने का मतलब है कि सबमर्सिबल टाइटैनिक के बहुत करीब पहुंच चुका था। समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना असंभव है, तो यहां हर वक्त अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इतनी गहराई में वायरलेस का सिग्नल टूटना एक आम बात है, लेकिन इस बात पर पहले ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटे का था, 9:30 से लेकर 4:30 बजे तक का। जब शाम में 4:30 पर अपना टूर ख़त्म करके वापस आ जाना था,
लेकिन इस टाइम तक वापस नहीं आया और न ही इसका दोबारा कनेक्ट हो पाया और न ही इसका कोई नामो निशान दिखाई दे रहा था। अब ऊपर खड़ी पोलार्ड प्रिंस में बैठे क्रू मेंबर्स की हालत ख़राब हो रही थी। फिर जाके 7:10 पर पोलार्ड प्रिंस पर जो टीम मौजूद थी वो डिसाइड किए कि US कोस्ट गार्ड को रिपोर्ट की जाए। अब यहाँ से शुरू होता है 4 दिन की जबरदस्त सबमर्सिबल की खोज। अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन किया भी जाना था तो सिर्फ उसके पास 4 दिन का ही समय था, अगर पैसेंजर को जिंदा ढूंढना चाहते तो, क्योंकि उस सबमर्सिबल में सिर्फ 96 घंटे तक का ही ऑक्सीजन मौजूद था। अगले दिन US और कैनेडियन शिप्स एंड प्लेन्स ने पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने समंदर के सतह पर ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी सोनार स्कैनर की सहायता से अपनी खोज जारी रखी। इस एरिया में जितनी भी कॉमर्शियल व्हीकल्स थी उन सभी को रिपोर्ट कर दिया गया कि वे अपनी आंखें खुली रखें। अगले 2 दिनों तक खोज जारी रही पर टाइटन का कुछ भी पता नहीं चल सका। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नज़र आने लगी। 21 जून वेडनेसडे को 6 बजे सुबह एक आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ अंडर वाटर रडार की सहायता से सुनी गई थी। फौरन ROV को आवाज़ की डायरेक्शन में भेज दिया गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर नहीं मिली। अब और भी टाइटन को खो देने का डर बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए कि सबमर्सिबल में सिर्फ 4 दिन का ही ऑक्सीजन मौजूद था जिसमें से 3 दिन खत्म हो चुके थे। लेकिन US और कनाडा के सर्च टीमों ने हिम्मत नहीं हारी और थर्सडे को लगभग 12 बजे दिन ROV को टाइटेनिक के मलबे के पास भेजा गया और 3:48 पर ROV टाइटेनिक के मलबे के पास पहुंच गया और वहां जाकर टाइटेनिक शिप के करीब 490 मीटर की दूरी पर उसे कुछ मलबा दिखाई देता है। इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि ये सबमर्सिबल टूट कर चकनाचूर हो गई है। जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो सब अपनी जान गंवा चुके हैं। जो देखने गए थे टाइटेनिक के मलबे को, अब उसका ही मलबा पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गया है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि सबमर्सिबल पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए पानी की गहराई में ही फट गया। इस खबर ने पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दी है और एक चीज़ की एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन। एक्सप्लोजन बाहर की दिशा में विस्फोट होना और इम्प्लोजन अंदर की दिशा में विस्फोट होना। लिहाजा इस टाइटन में इम्प्लोजन होने में मिली सेकेंड का भी समय नहीं लगा है। लॉन्च करने से पहले इस टाइटन को 5,000 से 10,000 PSI प्रेशर में टेस्ट भी किया गया था और इस टेस्ट में पास भी हो गया था। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि समंदर के अंदर हजारों तरह के प्रेशर होते हैं।